हेलो नमस्ते एवरीवन, यूट्यूब के सभी दर्शकों का आज दिल से स्वागत करते हैं। और आज हर बार की तरह अलग अलग घर, अलग अलग मुकाम और रेसिपियां आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो बिन चूल्हे की अपक्व भोजन आपके सामने रखा गया है, वेरी स्वीट, वेरी टेस्टी, हेल्दी भी हैं, टेस्ट भी हैं और साथ में हेल्थ भी हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आज डाइनिंग टेबल के ऊपर आप देख रहे हैं। और सभी दर्शकों को जो NDS फॉलो कर रहे हैं उसे पता है कि कच्चा भोजन ही सच्चा भोजन है। और गुजराती में कहते हैं कि जे रंधाई ते गंधाई, बीमारियों नु कारण रांधेलू भोजन छे। तो ऐसे जो हम अगर भगवान ने जिस प्रकार से हमें ये दिया है, आप देख रहे हैं ये तरबूज है, वाटरमेलन, बनाना है, तो ये चीजें जैसे जिस फॉर्म में आप भगवान ने दी है, गॉड गिफ्टेड, वैसे ही उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। हम बनाते हैं बनाना का वेजिटेबल साग, बनाते हैं उसको चूल्हे पे चढ़ाकर गर्म करते हैं, तो उनके सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू खत्म हो जाते हैं। जैसे ये तल का कचरिया बोलते हैं इनको, आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि ये इसमें देसी गुड़ मिलाया गया है, थोड़े काजू बादाम वगैरह डाले गए हैं, लेकिन जो बहने चूल्हे पर गर्म करके जो बनाती हैं वैसे बनाया नहीं गया है, जो पूरा बॉडी में जाता है तो सारे न्यूट्रिशंस मोर देन कुक फूड ऐसे देता है। आज हम जिस घर पे आए हैं खास उसका इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे सभी दर्शकों को। पहले यहाँ पोरबंदर की जो जनता है, खास करके मेयर कम्युनिटी, तो मेयर कम्युनिटी में अक्सर हमारा जाना रहता है। और आज हम आए हैं नैनाबेन कारावद्रा, लखुभाई कारावद्रा, और माताजी आपका नाम क्या है? सिसोदिया, मालीबेन सिसोदिया। और बहन जी आपका नाम? नीताबेन, नीताबेन कारावद्रा, जो लखुभाई का, लखुभाई की वाइफ है, मिसिस है। तो यहाँ काफी दिनों से बहन जी नैनाबेन जो UK हाल में है, NRI है, तो वहाँ इस NDS के जो तजुर्बे से काफी समय पहले आई हुई है। नैना बेन, आप अपना थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू देना चाहेंगी, आप NDS को किस एंगल से देखते हैं और इनसे आपने कोई छोटा बड़ा बेनिफिट लिया है तो खास दर्शकों को आप बताएंगे। हाँ जी, मैं धन्यवाद कहती हूँ NDS को, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतनी रेसिपी बताई कि जिससे भूख भी नहीं लगती है। अच्छा। और खाने में मजा आती है और मैंने बहुत वेट लूज किया जी। और ज्यादा तो बोलने का कि इसको जितना भी स्प्रेड करो उतना अच्छा है, क्योंकि दुनिया को पता चले कच्चा खाने से क्या होता है। बिल्कुल, और हमें बहुत अच्छा लगता है। जी, जैसे कच्चा भोजन है। कच्चा भोजन है लेकिन लगता नहीं है कच्चा, स्वादिष्ट लगता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, और साथ में एनिमा लेते हैं, ग्रीन जूस पीते हैं। साथ में ग्रीन जूस पीते हैं सुबह। एनिमा भी लेते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। मुझे पाइल्सी, उसको उसमें भी बहुत राहत मिली है। जी। और पेट भी कम हो गया जी। तो मैं तो डांस करने लगी मिरर के सामने, मेरा वेट लूज हो गया। इतने सालों में कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ वेट लूज। जी। सो आई वाज वेरी हैप्पी जी। सो थैंक यू फॉर जिग्नेश भाई जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज ये प्राकृतिक जीवन शैली जो भगवान राम के समय से चलती आ रही है, रामचरितमानस में आप वन कांड में सुनेंगे, देखेंगे कि कच्चा भोजन लेने से ही हम स्वस्थ, तंदुरुस्त और 100 साल तक बिना कोई रोग के जी सकते हैं। तो ये फंडा, जो पुरानी जो रीति थी, फिर से सभी को अपनाने का समय, वक्त आ चुका है। और इनके बगैर कोई चारा ही नहीं है। दवाइयाँ खाते रहो और शरीर को और खराब करते रहो, तो ऐसा हाल पूरे समाज का बना है। तो NDS आज सिर्फ भारत में नहीं, देश विदेशों में फैल गया है। हमारे सभी इंडियंस जो विदेश में जाके बसे हैं, वो भी लोग इस प्रथा से रूबरू हुए हैं। लखुभाई जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं, और अडवाणा गांव है पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ खुद रहते हैं और प्रकृति प्रेमी हैं। वहाँ उनके काफ़ी सारे जो जानवर, एनिमल्स हैं, उनको वो ट्रीट करते हैं, वहाँ रखते हैं। और उनकी रुचि भी है इस योग प्राणायाम या फिर ये डाइट, उस रुचि में। तो आज गॉड ब्लेस हैं कि आज उनका सारे रिपोर्ट्स करवाए तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक चैलेंजेस मेरे सामने खड़ा है, वो क्या है लखू भाई?
वेट लॉस करना है, तो आज इस प्रथा से धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। कल उसने एनीमा किया और काफी अच्छा गुड फील किया, तो ऐसे धीमे धीमे करते रहेंगे तो काश वो थोड़े से 10-20 केजी कम हो जाएंगे, तो फिर मिलना हुआ तो फिर एक वीडियो उनका बना के आपके सामने रखेंगे। जितना करेंगे उतना पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, और नहीं करेंगे तो कोई जादू की छड़ी नहीं है, सो जाएंगे खा पी के, तो ऐसे ही अपना चलता रहेगा। तो काफी सारी बातें हो चुकी, अब भोजन भी जो गर्म नहीं है जो ठंडा हो जाए, ये तो एवर ग्रीन है और एवर प्योर है। तो आइए, आप सभी भी वेलकम हैं, सभी दर्शक हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग घर पे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए सिंगल सुविधाएं हैं, जो डाइट दिया जाता है और रेसिडेंस भी दिया जाता है, तो उसमें आप लाभ उठा सकते हैं। माइनर टोकन चार्जेस रखे हुए हैं, वो भी आगे के लिए फ्यूचर के लिए निकाल देंगे, लेकिन अभी फाइनेंशियली जब स्टेबल होते जाएंगे तो सभी लोगों के लिए खुला रहेगा। तो धन्यवाद दर्शकों, आप सभी का हमें बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है, और आज नैना बेन ने भी अपने घर पे हमें वेलकम किया, उसके लिए भी लखू भाई को भी, बहन जी नीता बहन को, और माता जी माली बहन सिसोदिया, खास करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यहाँ पे उनको भी विशेष रूप से उसके चरणों में वंदन स्वीकार करिए। और थैंक यू नैना बहन, थैंक यू वेरी मच जी।